मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की कराची की बैंकिंग कोर्ट में समाअत, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 23 जनवरी तक तौसी, हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद की भी पेशी। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत, गवाहों के बयानात और दस्तावेजात फराहम नहीं की गई, जीआईटी के इल्जामात सियासी इंतकाम का नतीजा है, आसिफ अली जरदारी का जवाब जमा। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरख्वास्त, सब की नजरें इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर, दो रुकनी बेंच आज अपील की पहली समाअत करेगा, नैब को नोटिस जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान और यूएई इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मिलकर कोशिशें करने पर मुत्तफिक, तिजारत में इजाफे के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला, दिफा और फौजी तरबियत में तावुन बढ़ाने का अज़्म, वज़ीर आज़म 3 अरब डॉलर देने पर शुक्रगुजार। पेशावर कार बम धमाके से तबाह इमारतों की मुरम्मत का काम जारी, कालीबाड़ी में इसी साल पुरानी आबादी खजांची अहाता के कई मकान भी मुतासर, मुंतखब नुमाइंदे माली इमदाद का वादा करके भूल गए। सब लोगों ने अपने घरों के दरवाजे सबसे पहले लगाए क्योंकि दरवाजे उखड़कर, खिड़कियां, शीशे, रोशनदान ये सब उखड़कर बाहर गिर चुके थे और दोबारा से लगाए, और इस वक्त हर बंदा यही कोशिश कर रहा है। अभी भी इस वक्त भी कुछ लोग सीमेंट का काम कर रहे हैं, कुछ लोग लकड़ी का काम करवा रहे हैं। मेल मुर्गी और एक मेल, ये एक सेट बनता, ये हम लोगों को एक शनाख्ती कार्ड पर एक सेट देंगे। अवाम को 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा देने का काम, मुल्तान में वज़ीर आज़म प्रोग्राम पर अमल की तैयारियां मुकम्मल, शहरियों ने महकमा लाइफ स्टॉक से फार्म की वसूली शुरू कर दी। सीवरेज का यहां पे कोई इंतजाम नहीं है, घरों में बुरे हाल हैं। पैसे पूरी कटौती होती है लेकिन मेंटेनेंस वगैरह कोई चीज नहीं है। गुजरांवाला की रेलवे कॉलोनी या भूत बंगला, सरकारी क्वार्टर अब गिरे के तब गिरे, मुनासिब देखभाल ना होने से खंडर, इंसानों की जगह जानवर आबाद। शहर कायद के इलाके न्यू कराची में घर से निकलना मुश्किल, गलियों में गंदा पानी और कचरा, लोग बीमार पड़ने लगे। ये गंदगी की वजह से जो है ना हम लोग बीमार हो गए, हम दो ही अफराद हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही बीमार पड़े, कोई एक दूसरे को देखने वाला नहीं है। तबीयत इतनी खराब है, बच्चे की तबीयत इतनी खराब है, छोटी बेबी है फीट करती है, मेरी तबीयत खराब है, उसकी बेबी की तबीयत अलग इतनी खराब है। मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, सर्दी की लहर जारी, स्कर्दू में दर्जा हरारत -15, कोयटा में -5, लाहौर में 3 और कराची में 9 रिकॉर्ड। बच्चों की मौजें खत्म, पढ़ाई शुरू, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दियों की तातीलात खत्म, सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे खुल गए। फिर सर्दी में मच्छी खाओ, फिर उसका अपना मजा है, बहुत टेस्टी मच्छी है, और सामने इधर से ले, सामने पकाओ, फिर टेट खाओ। सर्दी में गर्म गर्म मछली, कोयटा के जॉइंट रोड पर बाजार में शाम होते ही रश, फूड स्ट्रीट पर भी चटपटे मसाले लगी फ्राई फिश की फरोख्त। फुल इवनिंग, लवली म्यूजिक, लवली फूड, लवली हैंडमेड क्राफ्ट्स। कराची के फ्रेंच बाजार में चीजें हजार, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और तरह तरह के दीदा जेब मलबूसात, फ्रांसीसी खाबों के शौकीन अफराद की भी पेट पूजा। सान ने रिमार्क्स दिए, मजबूर ना करें कि अमल दरामद बेंच आज ही बनाया जाए, इस रिपोर्ट को मजीद तफ्तीश करके अगर हुआ तो नैब को भेज देंगे, चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद कहा गया। फिर ये लोग जाने, नैब जाने, आपको बताएं तो जीआईटी रिपोर्ट पर जवाब मांगे हैं, जवाब देकर अपनी पोजीशन वाजे करें, ये भी कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने।
उनका मजीद कहना था कि हमने जो जवाब आए हैं इन पर हुक्म देना है। इस्लामाबाद में जाली बैंक अकाउंट्स केस की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क देते हुए कहा, मजबूर ना किया जाए कि अमल दरामद बेंच आज ही बनाए। इस रिपोर्ट को मजीद तफ्तीश करके अगर हुआ तो नैब को भेज देंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क देते हुए मजीद कहा कि फिर ये लोग जाने और नैब जाने। जीआरटी रिपोर्ट पर जवाब मांगे हैं, जवाब देकर अपनी पोजिशन वाजे करें। हमने जो जवाब आए हैं इन पर हुक्म देना है। वाजे रहे कि गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को 172 अफराद का नाम ईसीएल में डालने के फैसले पर गौर का भी कहा गया था और जाली बैंक अकाउंट्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है जिसमें चीफ जस्टिस आकिब निसार के ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि मजबूर ना करें कि अमल दरामद बेंच आज ही बना दें। इस रिपोर्ट को मजीद तफ्तीश करके अगर हुआ तो नैब को भेज देंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि फिर ये लोग जाने नैब जाने। जीआईटी रिपोर्ट पर जवाब मांगे हैं, जवाब देकर अपनी पोजीशन वाजे करें। दूसरी जानिब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से कराची बैंकिंग कोर्ट में भी समाअत हुई है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 23 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद की भी पेशी हुई है। आसिफ अली जरदारी की रवानगी के दौरान धक्कम पेल भी देखने में मिली। कई जियाले बैंकिंग कोर्ट के बोर्ड पर गिर पड़े थे। इस केस की समाअत हुई। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की जमानत में 23 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। आज की इस अदालती कार्रवाई की मजीद तफसीला जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज लियाकत राना से। लियाकत बताइएगा। देखें 35 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का आज केस की समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर और दीगर मुलजमान सख्त सिक्योरिटी में यहां बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश हुए। जब यहां बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी पहुंचे तो जियालों की एक बड़ी तादाद यहां अदालत के बाहर मौजूद थी जो उनके साथ अंदर अदालत में भी घुसी और बाहर भी मुसलसल नारेबाजी करती रही। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो जमशेद मलिक जो कि अब्दुल गनी मजीद और एजी मजीद के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में कहा कि एफआईए कोई काम नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी रिपोर्ट पर फर्दर इंक्वायरी की हदायत की थी लेकिन एफआईए चूंकि कोई काम नहीं कर रही इनको हदायत की जाए ये मुकदमे का हतमी चालान पेश करें ताकि ये मुकदमा कंक्लूड हो सके। उस पर अदालत ने कहा कि चूंकि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करेगी तो हम इस पर मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर और दीगर मुलजमान की हाजिरी लगाने के बाद समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी करते हुए आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर और दीगर जो मुलजमान अबूरी जमानत पर है उनकी अबूरी जमानत में तौसी कर दी। जब आसिफ अली जरदारी बैंकिंग कोर्ट से वापस जाने लगे तो धक्कम पेल शुरू होगी। जियालों ने नारेबाजी की और जैसे ही वो बैंकिंग कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो धक्कम पेल की वजह से कई जियाले और सहाफी भी यहां बैंकिंग कोर्ट के बाहर ये हमारे साथ बैंकिंग कोर्ट का ये बोर्ड लगा हुआ है ये इसके ऊपर गिरे ये नीचे गिर के टूट के गिर गया था। बाद में पुलिस एहलकारों ने इसको दोबारा खड़ा किया है। धक्कम पेल का सिलसिला जारी और धक्कम पेल की वजह से एफआईए के जो असिस्टेंट डायरेक्टर बख्तियार चन्ना आज अदालत में पेश हुए तो वो भी काफी परेशान नजर आए। उन्होंने अदालत से डिमांड की कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आइंदा यहां अदालत के बाहर रेंजर्स को तैनात किया जाए क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से हम मुकदमे को मजीद चलाने से कासिर हैं। बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के हवाले से तफसीलात बता रहे थे लियाकत राना, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि मंजूर वसान कहते हैं 2019 पाकिस्तान के लिए अहम तरीन साल साबित होगा। एहतसाब के खिलाफ नहीं मगर एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। ख्वाबों के बादशाह कराची में मीडिया से गुफ्तगु कर रहे थे, उन्होंने मजीद क्या पेशन गोईयां की आपको भी सुनवाते हैं। ये 2019 मुझे हर पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत का हामिल इसलिए लग रहा है कि एक तो मईशत का भी इसी साल में पता पड़ जाएगा और ये मेरे ख्याल में थोड़ा कभी कभी टकरा का भी साल होगा तो इस साल को अहमियत दे रहा हूँ कि ये मुनफरद फैसले करेंगे और जहाँ तक इसमें ये अकाउंटेबिलिटी है वो चलती रहेगी और हम पीपल्स पार्टी कभी भी अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सब के लिए होनी चाहिए। अच्छा हुसैन साहब क्या नवाज शरीफ की तरह जरदारी साहब को जेल में देख रहे हैं? ये जेल तो भाई हमारे लिए नई बात नहीं है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि इस वक्त मुल्क में दो पाकिस्तान हैं। एक वो है जहां पीपी क़यादत के खिलाफ नाश्ते और लॉन्ड्री के बिलों पर 16-16 रेफरेंस दायर किए जा रहे हैं, दूसरा वो है जहां ऑफशोर कंपनी सामने आने के बाद भी एनआरओ दे दिया जाता है। वो कराची में आसिफ अली जरदारी की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।
इस वक्त मुल्क में दो पाकिस्तान हैं। एक पाकिस्तान वो है जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत को नाश्तों के ऊपर और लॉन्ड्री और ब्रेकफास्ट के बेसिस पर 16-16 रेफरेंसेस की रिकमेंडेशन दी जाती है JIT की तरफ से, और दूसरा पाकिस्तान है जहां जाहिर हो जाती है ऑफशोर कंपनीज अनडिक्लेयर्ड, लेकिन उनको NRO मिल जाता है। फिर दो पाकिस्तान इस हवाले से भी आप देखे हैं, जहां असगर खान का केस का होता है इशू, तो 6 साल गुजर जाते हैं और वही FIA जो एक केस में इतनी फुर्ती दिखाती है वो अपनी बेबसी का इजहार करती है। तो ये तहरीके इंतकाम के नए पाकिस्तान में इंसाफ का तकाजा आप खुद देख लें और आप खुद जज करें। सियासी मौसम के बाद अब मुल्क का मौसम।